जन्म कुंडली विश्लेषण। आजकल के यंगस्टर्स में हिंदुस्तान में जॉब करने के बजाय विदेश में जाकर जॉब करने का अच्छा खासा क्रेज बन चला है। कई बार इस क्रेज में नई पीढ़ी जल्दीबाजी में माता पिता को नॉलेज नहीं होने के कारण वो कुछ एजेंट्स के द्वारा गुमराह भी हो जाते हैं। आज मैं 34 साल के युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं जो दो बार विदेश जाने और जो उसका शौक है विदेश जाने का, वहां जॉब करना, बिजनेस करना, उसके चक्कर में एजेंट के हाथों ठगे गए हैं। अब ये खुद ट्राई कर रहे हैं, बार बार वीजा में प्रॉब्लम आ रही है। इनके सारे दोस्त वहां जाकर सेटल भी हो चुके हैं, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर है, कोई न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो इनको लगता है, और चूंकि ये गुजरात से बिलोंग करते हैं इसलिए गुजरात और पंजाब के लोग आपको पता ही है कि हिंदुस्तान से बाहर सबसे ज्यादा जाते हैं, तो इनका मन है कि अमेरिका चले जाए। ये कहते हैं कि मेरे ही साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि वीजा रिजेक्ट हो रहा है। आईटी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर भी हैं पर जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है। इनका एक प्रश्न और है कि काफी सारे ज्योतिषी लोगों से मैं मिला हूं और उन्होंने कहा है कि एल्कोहल के एडिक्शन व एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होने के आपकी कुंडली में योग है। ये अपनी फैमिली के प्रति बहुत डिवोटेड है। ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरा कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। हाँ, ड्रिंक बैक अवे कबार जरूर कर लेता हूं। इस कारण ये कुछ तनाव में भी है और कहते हैं कि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है पर बाद का मुझे पता नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो नहीं, क्या ये विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल के योग हैं। कई भविष्यवाणी जो लोगों ने की है, आइए इनके ग्रहों का खेल जानते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये इनकी कुंडली इस वक्त आपके सामने 10 नंबर से शुरू होती है, मकर लग्न की कुंडली कहते हैं। लग्न में शनि शनि चलने वाले शनि देव की राशि मकर है जो कि चर राशि है और शनि देव के धैर्य, संयम, त्याग, तप, तपस्या, परिश्रम और पुरुषार्थ के गुण लिए हुए हैं। शनि को बहुत ही आलसी और ढीला प्लैनेट हमारे ज्योतिष में कहा गया है। ये महत्वाकांक्षी होते हैं पर इन्हें अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मंगल जैसा उतावलापन नहीं होता है। देखिए, इनका महान राजयोग कारक 10th हाउस बता रहा है जहां राजयोगों की कुछ हद तक भरमार है। कैसे? देखिए, लग्न लॉर्ड शनि अपनी उच्च राशि विराजमान, जहां 7 नंबर लिखे हुए सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि विराजमान है, वो शनि उच्च राशि के, वहीं तुला राशि में अतः शश योग बन गया है। शश योग जो इन्हें परिश्रम, पुरुषार्थ व परमार्थ की तरफ लेकर जाएगा। कर्म स्थान में बने हुए हैं इसलिए गूढ़ ज्ञान होता है। कई लोग नए नए रईस बनते हैं, उनको पता नहीं होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं परंतु प्रेजेंटेशन या अपने आप को मार्केटिंग की उनके अंदर कला नहीं होती इसलिए वो छुपे हुए रहते हैं। परंतु यहाँ शनि इंसान को टैलेंटेड भी बनाते हैं और उसकी तरक्की भी मिलती है। वहीं स्वग्रही शुक्र भी विराजमान है अतः मालव्य योग बना। इन्हें सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व की साथ साथ धन दौलत व ऐश आराम देगा और पत्नी बड़ी खूबसूरत मिलती है ऐसे लोगों को। साथ में जीवन के सारे सुख पूर्ण हो जाते हैं, गाड़ी हो, मकान हो, सुख सुविधाएं, कंफर्टेबल जिंदगी, सोचा उससे बेहतर जीवन ये देते हैं। फिर देखिए, नीच राशि के सूर्य उच्च राशि के शनि के साथ होने से लगभग नीच भंग राजयोग जैसा कारण भी यहां पर मंगे। सूर्य तुला राशि में नीच राशि हो जाते हैं, नीच भंग राजयोग के कारण ये तूफानों का भी रुख मोड़ देने की क्षमता के धनी और शुक्र स्वग्रही व शनि उच्च के अतः किंबुहना योग के कारण इनके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा ये तय है, यानी आपका मंजिल तक पहुंचना तय है लेकिन रास्ता जो है वो बड़ा कठिन आपको मिलेगा। बस इरादों को अटल रखना जरूरी है व संघर्ष से पीछे नहीं हटना। कमाल का 10th हाउस, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अभी तक का हम जीवन देखें तो आपने जो एजुकेशन की वैसा आप धन कमा रहे हैं, आपको पत्नी मिली, परिवार मिला, अच्छी जगह आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी, सब कुछ बढ़िया है। तकलीफ क्या आपको कि आपके दोस्त विदेश चले गए इसलिए आपको लगता है मुझे भी विदेश ही जाना चाहिए, मैं विदेश नहीं गया तो मैंने कुछ नहीं किया, ये गलतफहमी है। अब देवगुरु की युति यहां पर बैठने से हर अति को संतुलित कर रही है। इन योगों के कारण ही IIT में इजीली सिलेक्शन, IIM अहमदाबाद से आपने MBA भी किए हैं। अब ये सारे लोगों का सपना है कि मैं IIM अहमदाबाद से MBA करूं।
वो अच्छे खासी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको, क्योंकि आप विदेश नहीं जा पा रहे, उसका सपना नहीं होने की वजह से आपको डिप्रेशन भी फील होता है। आगे इसका हम खुलासा करेंगे। सबसे पहले फॉरेन हाउस 12th की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर 9 नंबर लिखे हुए मंगल और केतु दोनों विराजमान हैं। इस युति से अंगारक दोष की घटित होने के कारण ये दो बार धोखे के शिकार हुए, क्योंकि विदेश में अंगारक दोष बना हुआ है। विदेश जाने में आपके अड़चन तय है। आपने एजेंट को मिले, एजेंट क्या करते हैं, 50 लोगों से, मान लीजिए कि एक इंसान है, वो कहता है 50 लोगों भाई मैं तुम्हारा वीजा लगवा दूंगा, मैं पर वीजा के 10 लाख रुपए लूंगा। 5 के वीजा लग गए तो आपको तो 50 लाख रुपए मिल गए, बाकी पैसे वापस लौटा दीजिए। कुछ लोगों को धोखा देते, ऐसे भी लोग हैं धोखे का शिकार हुए, अभी भी वीजा की प्रॉब्लम आ रही है। 3 बार वीजा आपका रिजेक्ट हो चुका है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, कारण 12th हाउस देवताओं के गुरु बृहस्पति के 10th हाउस में राजयोग कारक ग्रहों के साथ वह मातृभूमि के हाउस 4th हाउस पर सातवीं दृष्टि। यहां पर देखिए 7 से लेकर 1 की तरफ एक एरो जा रहा है। इतना ही नहीं, मात्र कारक चंद्रमा पर 5वीं दृष्टि, अतः देवताओं के गुरु इन्हें वतन में ही धन मान सम्मान दिलाएंगे, वतन से बाहर नहीं। ये देखिए 4th हाउस पर दृष्टि जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इनके डिप्रेशन का मेन कारण क्या है कि शनि की राशि कुंभ में राहु के नक्षत्र शतभिषा व राहु की 9वीं दृष्टि में 2nd हाउस में विराजित चंद्रमा का है। जहां पर 11 नंबर लिखे हुए वहां चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड हैं। आपने बहुत ज्यादा या आपके अंदर भी आप देखेंगे कि जो आपके पास है वो कई लोगों का सपना है, लेकिन आपको उसका कोई आनंद नहीं है। हमें दूसरी जॉब मिलेगी उसके लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन जो जॉब आप कर रहे हैं उस पर आपका मन नहीं है, तो आप एक प्रकार से अन्याय कर रहे हैं अपनी कंपनी के साथ। तो चंद्र रूपी मन को राहु रूपी व्याकुलता यानी एंग्जाइटी के लॉर्ड बार बार बेचैन अशांत व असंतुष्ट बनाते हैं। फिर खबर मिलती है कि साहब हमारे टेक्सास वाले दोस्त ने बड़ी अच्छी तरक्की कर ली है, न्यूयॉर्क वाले दोस्त ने तो अब फ्लशिंग न्यूयॉर्क में घर ले लिया है, तो हमें बड़ा तकलीफ होने शुरू हो जाती है कि हमारा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको जो मिला है वो बहुत सारे लोगों के जीवन में मिला ही नहीं है। चंद्रमा चूंकि 7th लॉर्ड है, जहां पर 4 नंबर लिखे हुए हैं, जो पत्नी का घर भी है, तो पत्नी आपको खूबसूरत मिली है, इसलिए हालांकि अपने से 8th हाउस में जाने के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात ये, वह 2nd हाउस हमारे खान पान का चंद्रमा उसका कारक, इसी कारण इनको कहा गया है कि आप एल्कोहल नॉनवेज व एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण गुरु की शुभता की कमान। गुरु एक ऐसे ग्रह जो जहां दृष्टि डालते वहां पर अमृत ही अमृत बरसाते हैं। गुरु ने शुक्र की अय्याशी, चंद्रमा की चंचलता व राहु की अति पर पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है। देखिए उच्च राशि के राहु पर भी गुरु की 9वीं दृष्टि, यहां पर गुरु विराजमान है 10th हाउस में, आपको पता ही है। 7 से लेकर 3 की तरफ एरो जा रहा है। गुरु की दृष्टि व युति से बुध मंगल व केतु के अलावा कोई नहीं बच पाया, अतः चिंता नहीं चिंतन की जरूरत है। कृपा रूपी अमृत बरस रहा है यहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति की तरफ से। विदेश घूमने जाएं पर जॉब का सपना आप छोड़ दीजिए, भारत में और हिंदुस्तान में ही रहकर आप अपने विदेश से ज्यादा धन कमाएंगे और ज्यादा मान सम्मान भी कमाएंगे, यह आपके लिए तय है, क्योंकि 12th हाउस आपका डैमेज है। यहां पर भाग्येश बुध, जहां पर 6 नंबर लिखे हुए भाग्य स्थान में होने के कारण भाग्य योग को बनाकर इनकी सभी मनोकामनाओं को सफल बनाने के लिए तत्पर है। अब आप कह रहे जी मेरी मनोकामना तो विदेश जाने में है, परंतु आप घूमने फिरने एंजॉय करने नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर आप जॉब नहीं कर सकते। शनि महादशा में राहु का अंतर जॉब में मनचाही सफलता दिलाएगा और एक बार आपको अमेरिका जरूर भेजेगा, यह तय है। तो अभी तक हमने क्या बात की, 2 बात की, एक तो विदेश आपको नहीं जाना चाहिए, सिर्फ घूमने जाना चाहिए, वो भी शनि में राहु। दूसरा पत्नी एक्स्ट्रा, ये सब आपकी कुंडली में कोई योग नहीं है, इसलिए जिन्होंने कहा है वो अपनी तरफ से सही कहा है, लेकिन हो सकता है कि हम कहीं गांव में डॉक्टर से मिलते हैं और शहर में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलते हैं, तो थोड़ा डॉक्टर में उनके जो अनुभव है उसमें फर्क तो पड़ता ही है। इसी प्रकार से निष्कर्ष क्या निकलता है, हर सुख का रास्ता विदेश से होकर नहीं जाता है। कई बार हमारी हसरत पूरी ना होना हमारे लिए सौभाग्य के द्वार खोल देता है, इसीलिए कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ। विदेश जाकर तकलीफ आती तो क्या आप कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं करते, तो आप यहाँ की जॉब भी छूटती और वहाँ की भी जाती। बेहतर है, बेहतर यही है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, आप दूसरों को देखकर जबरदस्ती दुखी हो रहे हैं, उसको बंद करिए। बेशक आप घूमने जाएंगे, आपको अपने परिवार समाज और देश के लिए बहुत कुछ करना है। यदि आपके जीवन का मकसद विदेश जाना ही है तो मेरे हिसाब से ये मूर्खता भरा विषय रहेगा। कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे आपकी मानसिक शांति और इसमें आ रही तकलीफें शनि की वजह से उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं।
सिद्ध बीसा यंत्र में नीलम पन्ना और जरकॉन जड़ित एक पेंडेंट बनता है, 5.25 रत्ती का गले में धारण करें। अंगारक दोष निवारण हेतु आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर मिश्रित चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं और ध्वजा और साथ में नारियल को भेंट करिए। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। गुरुदेव सुरेश रीमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 18 व 19 मार्च मुंबई, संपर्क करें 9324272446, 9322377660, 20 व 21 मार्च दिल्ली, संपर्क करें 0116542068564544625, 24 व 25 मार्च काठमांडू, 26 मार्च जनकपुर नेपाल, संपर्क करें 9779801032862, 23 मार्च गुड़गांव, 27 मार्च गाजियाबाद, 28 मार्च जयपुर, संपर्क करें 02915190000, 9314728165। जन्म कुंडली विश्लेषण। लड़का और लड़की की जब शादी होती तो परिवार वाले दो इंपॉर्टेंट चीज मिलाते हैं, एक तो जन्म कुंडली मिलान, एक दोनों परिवार वाले मिल जाए, एक दूसरे को पसंद कर ले। आजकल कई तरह की समस्याएं मैरिटल लाइफ में आने लगी हैं, कई तरह के धोखे भी हमें देखने को मिलते हैं। आने वाले समय में शायद ऐसा होगा कि ऑथराइज्ड डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिए जाएंगे कि आपका बेटा या बेटी मेडिकली फिट है या नहीं है। एक हिस्ट्री भी आपके तय की जाएगी कि आपके परिवार में किस तरीके की हिस्ट्री है और उसके आधार पर भी रिश्ते तय हुआ करेंगे। आज जिनकी मैं कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं कि कुछ दास्तान अलग तरह की है। अरमानों की डोली में बैठाकर अपनी लाडली बेटी को माता पिता ने ससुराल भेजा, ये सोचकर कि बेटी के हाथ पीले कर दिए हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुए और बच्ची अपना अगला जीवन शुरू करे और खुशियां ही खुशियां जिए जीवन भर। पर 15 ही दिन में कुछ ऐसा हुआ कि लड़की को वापस घर आना पड़ा। आज मैं 31 साल की लड़की और उसके पति की कुंडली का विश्लेषण करूंगा, जिसका 15 दिन का वैवाहिक जीवन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक नामचीन परिवार से इनके लिए चलाकर रिश्ता आया। लड़का नीदरलैंड के अंदर एम्स्टर्डम करके जगह है, वहां पर वो जॉब कर रहा है, वहां से रिश्ता आया। वो लोग रहते तो पंजाब में ही है लेकिन लड़का वहां रहता था। आए, मिले, बहुत कुछ अच्छा लगा। लड़का अपनी माता जी के साथ इनके घर दो दिन रहा भी सही, बच्चे दोनों आपस में घूमे, बातें वगैरह की, सब कुछ अच्छा रहा और आखिरकार शादी भी हो गई। पर शादी के बाद पिक्चर जैसे कुछ और ही निकली। सबसे पहले जो पहली रात थी तब पता लगा कि लड़का तो नपुंसक है और वो पूरी रात लड़का अपनी माँ के पास ही बैठा रहा। और अगले दिन जो कई बार आपने देखा होगा कि रिसेप्शन होता है अगले दिन, तो रिसेप्शन होते ही उसी रात को वो नीदरलैंड चला गया लड़का, और लड़की को ये कहकर गया कि मैं कुछ दिनों वापस लौटूंगा। जहाँ वह जॉब करता है, जाने के बाद कोई मैसेज नहीं, फ़ोन नहीं, और कहा कि मैं मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हूँ, मेरे माता पिता के ज़बरदस्ती कहने पर मैंने शादी की है। अब उस लड़की तो ससुराल में रह रही थी, उसकी सास का भी बिहेवियर बदल गया, उन्हें तो पता ही था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि अनफिट नहीं है, ये फिट है, लेकिन हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो, शादी होगी तो क्या पता इस प्रॉब्लम ठीक हो जाए। पर वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, इन्हें काफ़ी परेशान करने लगी। आखिर थक हार कर बच्ची अपने पेरेंट्स माता पिता के यहाँ वापस आ गई। पूरा परिवार शॉक्ड है कि आखिर ये क्या हुआ। अब इनका प्रश्न है कि डाइवोर्स करना चाहिए या लड़का ठीक होगा और कब तक करना चाहिए। अगली शादी के योग हमारे बच्चे के कब है, क्या हमने सपने देखे तो और क्या हमारे साथ हो गया है। अब इनके साथ जो भी घटा वो उनका अपना प्रारब्ध है, संचित कर्म है या फिर ग्रहों का खेल, यही सब कुछ ये लोग जानना चाहते हैं। और आइए देखते हैं, सबसे पहले लड़की की कुंडली की बात करते हैं कि आखिर उसकी कुंडली में क्या है ग्रहों का खेल। इस वक्त की कुंडली आपके सामने है, 2 नंबर से शुरू होती जिसे हम वृषभ लग्न और लग्नेश बनते हैं शुक्र, वो विराजित है 7th हाउस में, जहां पर बुध शुक्र और शनि विराजमान है 8 नंबर में। 7th हाउस में यह सुंदर, समझदार, हार्डवर्किंग व
एम्बिशियस लड़की है, क्योंकि करियर का घर भी यही है। सेवंथ हाउस में शुक्र के साथ विराजित वृषभ लगन के कारक ग्रह नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड, यानी कि भाग्य स्थान और कर्म स्थान के लॉर्ड शनि, व सेकंड व फिफ्थ लॉर्ड बुध, यानी तीन और छह मिथुन और कन्या राशि के लॉर्ड बुध बनते हैं, साथ में विराजमान है। बुध शुक्र की युति, अतः लक्ष्मी नारायण योग, पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है, घर सुख सुविधाएं पूरी माता पिता ने दी हैं। जब लग्न फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड युति करेंगे तो भी सेवंथ हाउस में, और वो सेवंथ हाउस में हो तो ये लव मैरिज और सक्सेसफुल मैरिज के लिए बहुत उत्तम योग बनाते हैं। परंतु एक ही शर्त है कि जिससे आप शादी करते हो कुंडली मिलान जरूरी है, वो अदरवाइज तकलीफ होती है। जिससे प्यार उसी से शादी, हाँ इससे शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस जरूर बनते हैं अगर कुंडली नहीं मिलती है, पर बैलेंस भी हो सकता है। फिर इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ना तो लव मैरिज की ना किसी प्रकार का मैरिटल लाइफ अच्छी चली, जब इतने सुंदर राजी हो गए फिर अच्छा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण ढूंढना होगा। सेवंथ हाउस में निश्चित रूप से राजयोग है, पर आपके घर में विराजे मेहमान कब तक आपको सलामत रख सकते हैं, जब तक घर का मालिक स्ट्रांग नहीं होगा उस घर को तो टूटना ही पड़ेगा। ऐसा ही इनके साथ हुआ। सेवंथ लॉर्ड मंगल, जहां आठ नंबर लिखे इसके लॉर्ड मंगल बनते हैं, वो अपने हाउस से ट्वेल्थ यानी कुंडली के रोग ऋण और रिपु, जहां सिक्स हाउस है, जहां सात नंबर लिखे हुए हैं, वह मंगल और केतु विराजमान, यानी आठ के लॉर्ड अपने से पीछे सेवंथ हाउस में चलेंगे, जो कि अपने से ट्वेल्थ हाउस में हुआ। अब कुंडली के रोग ऋण रिपु भाव जो सिक्स हाउस होता है उसमें केतु के साथ बैठने से अंगारक दोष घटित कर राहु की सातवीं दृष्टि से भी पीड़ित है। एक नंबर बैठे मेष राशि में राहु एक से सात की तरफ एरो जा रहा है, जिससे सेवंथ हाउस के लॉर्ड पर दृष्टि डाली, ऐसे लोगों के साथ धोखे ज्यादा होते हैं, पता कुछ और होता है और निकलते कुछ और है। तथा इतना ही नहीं, सिक्स व उसके लॉर्ड, जहां पर सात नंबर लिखे इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र, व सेवंथ लॉर्ड मंगल का अशुभ परिवर्तन राजयोग, यानी शुक्र मंगल के घर में और मंगल शुक्र के घर में, आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, अतः कमजोर ईंटों से बना हुआ घर तो ढहना ही था। पति के कारक ग्रह गुरु भी अपनी नीच राशि में नाइन्थ हाउस में विराजित है, जहां पर दस नंबर लिखे हुए हैं, वहां पर विराजमान होने से इंसान को भाग्य का फल कमजोर मिलता है। एक लड़की का भाग्य उसके ससुराल में है, परिवार में है, पति में है, और पुरुष का भाग्य कर्म में है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब बकरे की बाँ कब तक खैर बनाती, आखिर एक दिन तो उसे बलि पर चढ़ना ही था। अगस्त 2017 के बाद जैसे ही शनि में केतु का अंतर आएगा, इनका डाइवोर्स पक्का है। अब सेकंड मैरिज में नाइन्थ हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डूबी हुई कश्ती को भाग्य तो संवार सकता है, लेकिन इनके नाइन्थ लॉर्ड शनि, जहां पर दस नंबर लिखे इसके लॉर्ड शनि सेवंथ हाउस में अपने मित्र बुध शुक्र के साथ विराजित है, अतः इनकी सेकंड मैरिज सितंबर 2018 के बाद होना तय है, उसके पहले आप नाम भी मत लीजिएगा। क्योंकि कई बार लोग बड़ी जल्दीबाजी में ऐसे ऐसे फैसले कर लेते हैं कि साहब घर में ये बीमार है, अब डेथ बेड पर मेरी दादी है, या घर में कोई और है, तो अब जल्दी शादी कर लेते हैं, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं। कुछ लड़के की कुंडली देख लेते हैं, उसके बाद लड़के की कुंडली में कुछ योग देख लेते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा स्थिति क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं इनके पति की कुंडली क्या कहती है। इस वक्त आपके सामने चार नंबर की कुंडली, जो कि एक प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली बनती है, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लग्न लॉर्ड चंद्रमा भाग्य भाव नाइन्थ हाउस में विराजित है, जहां पर 12 नंबर लिखे मीन राशि। मीन का मतलब होता है मछली। जितने भी लोग मीन राशि के लोड हैं वो एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते, माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है, अभी ठीक है अगले पल खराब हो जाते हैं, कई तरह की तकलीफ होती है। लेकिन हैंडसम, इमोशनल, एम्बिशियस व कुछ हद तक कंफ्यूज भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मीन जो है द्वि स्वभाव डबल कैरेक्टर की राशि है। सेवंथ लॉर्ड शनि, जहां पर पत्नी के घर है इसके लॉर्ड शनि वक्री होकर लव एंड अफेयर के हाउस, जहां पर पंचम स्थान है शनि विराजमान वृश्चिक राशि के, व सेवंथ में अपनी राशि मकर पर तीसरी दृष्टि, यानी आठ से लेकर दस की तरफ एक एरो, अतः लव मैरिज पर पत्नी के कारक ग्रह शुक्र, यानी इसमें भी लव मैरिज की योग है पर इनकी नहीं हुई, परंतु शनि ने देखकर पूरा खराब करने का ही काम किया है। शुक्र ट्वेल्थ हाउस में, जहां पर तीन नंबर लिखे हुए हैं, जो कि लग्जरी लाइफ, विदेश यात्राएं, विदेश में काम करना, ये सारी चीजें देते हैं। अब सक्सेस भी मिली विदेश में, पर यहां पर विदेश की बात तो चल नहीं रही है, उस पर मंगल की विच्छेदी सेपरेशन कारण करने की जो सातवीं दृष्टि है उसने सारा खराब करने का काम किया। नौ से लेकर तीन की तरफ एक एरो जा रहा है, यानी शुक्र मैरिटल लाइफ के लॉर्ड है, उस पर मंगल की दृष्टि रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादियां नहीं हो पाना,
कई बार ऐसा होता है कि बचपन में हम किसी को चाहते थे, हमारा अफेयर था, मैं हम उससे प्यार करते थे, तो हम किसी और से शादी करते तो हमारे मन के अंदर वो ही रहता रहा, हमें लगता है कि हम उसे धोखा दे रहे हैं, इस वजह से हमने जिससे शादी की उससे भी हम प्यार नहीं कर पाते हैं। तथा शुक्र की महादशा में राहु के अंतर के कारण सेपरेशन हुआ व इतना जो समस्याएं आई है वो दोनों की कुंडलियों में डाइवोर्स के योग पूर्ण रूप से है, अतः 2017 के एंड तक डाइवोर्स हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि शादी ब्याह के फैसले कभी जल्दीबाजी में नहीं करने चाहिए, बहुत सोच विचार कर लेने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, जो कि लड़की वालों ने, माफ करेगा, लड़के वालों ने छुपाया है, उनको उनकी भी गलती पूरी ढंग से नहीं मान सकते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अनफिट नहीं है, ये फिट है, बट मेंटली कई बार डिस्टर्ब लोग होते हैं जो रिलेशन नहीं बना पाते हैं। इस कारण ऐसे लोग जीवन में नपुंसक कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो माँ को लगा कि शायद शादी होगी तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर ऐसी सोच रख के आपने अच्छी भली किसी लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी, ये कितनी बड़ी गलती की है। अब इसकी भी तो हमें हाय लेनी पड़ेगी, हमें बद्दुआ मिलेगी, कई तरह की हमें तकलीफें भोगनी पड़ेगी। मुझे लड़की की कुंडली से ऐसा लगता है कि इन्होंने लड़के वालों से कुछ छुपाए हैं, झूठ पर रखी गई बुनियाद पर जो संबंध टिका है वो नहीं चल पाएगा। डाइवोर्स के लिए हमें कोई उपाय नहीं करने चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स करिए, 2018 में बेटी की शादी करिएगा। हाँ, आपकी बच्ची खुद की कुंडली में जो दोष है उसके कुछ मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जिनका आपको सहारा लेना चाहिए। श्रावण माह में मंगल क्वारी के व्रत करने चाहिए या फिर बेटी की माँ कर ले। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप माँ कर सकती है या फिर बेटी खुद करे तो सबसे बढ़िया। गर्भ तासीर का भोजन न करना चाहिए और ऊर्जाई जो प्राणायाम है उसे रोज करना चाहिए तो शांति मिलेगी। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। अगर आप ऐसी या किसी और प्रकार की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो हम करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। और आप हमारे इन सारे वीडियोस को YouTube पर जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और वीडियोस की जानकारी मिलेगी। साथ में फेसबुक, हमारे ज्योतिष के माध्यम से और भी इंटरनेट के माध्यम से हम सब एक दूसरे से संपर्क करके समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। तो आने वाले समय में आपके लिए और कुछ लेकर जरूर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार। हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 243 2625, 9829026625, 8955896625.